फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. यू आर वेलकम इन पिलाल इंग्लिश क्लासेस. देखिए फ्रेंड्स, हम रीड का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंकर्ड और सिंटैक्स, इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी कहते हैं, ये पढ़ रहे हैं. और उसके बहुत सारे रूल्स हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर लिए, पढ़ लिए. अब जो रिमेनिंग इसके रूल्स रेगुलेशन है, उसके हम विधिवत तरीके से स्टडी करेंगे. देखो, इसी में जो नेक्स्ट रूल है वो है द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ. जब भी किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ आता है तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेंस को डिनोट करता है, एक यूनिट के सेंस को डिनोट करता है. इसलिए व्हाट्स आर रूल, द नंबर ऑफ के बाद, यानी द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल आता है जबकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है. देखो, सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है, जब भी मैं सिंगुलर वर्ब्स की बात करूं, वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो एस आ जाता है उसके नाम में. जब सिंगुलर में एस आता है तो पीछे भी ऐसे ऐसा आएगा, यानी या तो डज आएगा, या फिर इज आएगा, या हैज आएगा, या फिर वॉज आएगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आएगा. जैसे गोज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस, नाम में ही क्लियर है सिंगुलर, यानी एस शुरू में तो पीछे सबके एस आएगा. द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर. जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास लेटली, हाल ही में. ये कोई सेंटेंस है. अब इसमें आंसर में आएगा ए में वॉज, बी में हैव, सी में हैज और डी में हैज बीन. अब देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, कि जब भी द नंबर ऑफ आता है उसके बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब हेल्प वर्ब क्या आती है, सिंगुलर. क्या होती है सिंगुलर, जिसके अंत में एस एस आता है. अब देखो, एस एस तो वॉज में भी आ गया, हैज में भी है, हैव में है नहीं, इसलिए हैव तो आंसर होगा नहीं. अब लेटली से हमें मालूम चला कि गिवन सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है. लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किसी जो आस्क है उसका आस्क वर्ब है, उसका डूअर नहीं है. तो जब ये वाला पार्ट ये काम नहीं कर सकता तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. जब ये वाला जो पार्ट है, फ्रेज है, वो आस्क नहीं कर सकता तो इट्स ऑब्जेक्ट. इसलिए ऑब्जेक्ट यदि है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म आएगा. इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या आएगा, उसमें हैज बीन हैव बीन आता है. इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी. जब तक हम इस तरह की चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सिर्फ और सिर्फ हैज प्लस बी थर्ड करके लेटली को हमने डटा, कि लेटली, रिसेंटली, जस्ट, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, ये सारे के सारे एडवर्बियल्स और एडवर्बियल फ्रेजेज है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंडिकेटर है. क्योंकि कोई भी जो एक्शन होता है उसकी कंप्लीशन को डिनोट किया जाता है प्रेजेंट में. इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. अब दूसरा है नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ बर्ड्स किल्ड इन द फॉरेस्ट एट दैट टाइम. अब देखो, एट दैट टाइम से क्लियर है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है. पास्ट कंटिन्यूअस बोलो तो वॉज और में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में आई भी आती है. अब मैंने लिखा इसका आंसर में क्या आएगा, सॉरी, द नंबर ऑफ, इसका आंसर में आएगा ए में आएगा वॉज, बी में आएगा वर, सी में आएगा हैड और डी में आएगा वॉज बीन. अब देखिए, जो किल्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या आती है, जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है. अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगलेस होगा. अब या तो सेंटेंस पैसिवस का होना चाहिए या फिर सेंटेंस के शुरू में एक्शन का डूअर होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा. इसलिए यहां पर जो फ्रेज है द नंबर ऑफ बर्ड्स वो ऑब्जेक्ट है और किल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. लेकिन एट दैट टाइम ये है पास्ट कंटिन्यूअस का इंडिकेटर वर्ड्स. इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वॉज बीइंग किल्ड, आपका आंसर आएगा डी.
आपका आंसर आएगा डी। सरल रूल्स आप स्टडी कर लोगे, रट लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर में गलत होने की संभावना रहती है। अगर सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म्स में पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा यदि क्वेश्चन को घुमा दिया एग्जामिनर ने तो हमारे समक्ष बड़ी चुनौती आ जाएगी। इसलिए क्यों ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष आए और हम उनसे किस तरह से निजात पाए, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस आपके समक्ष पेश किया जाता है। जब भी द नंबर ऑफ आता है, नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आती है, क्योंकि एक इकाई का बोध किया जाता है। ए सेंस ऑफ यूनिट इज एक्सप्रेस्ड, अ सेंस ऑफ यूनिट इज एक्सप्रेस्ड। हमने जैसे एक और लिखा इस पे, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स appreciated in the class every day। ये कोई सेंटेंस है, द नंबर ऑफ गर्ल्स appreciated इन द क्लास every day। एवरीडे से क्लियर हो गया कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और रिपीटेड एक्शंस का सेंस डिनोट्स कर रहा है, कोई भी एक्शन रोज होता है, डेली रूटीन सेंस को डिनोट्स कर रहा है। अब एप्रिसिएट करने वाला कौन है नहीं मालूम, इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म्स में। अब हम किसको रट के क्या कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट समझ लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मीन्स होता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऐसे ऐसा आएगा, डू नॉट डज नॉट आएगा। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सेंटेंस का एक्शन का डूअर नहीं है, क्योंकि एप्रिसिएट के बाद यदि ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये फ्रेज जो है वो एक्शन का डूअर होता और उस समय ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता, लेकिन ये जो फ्रेज है अभी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। सेंटेंस एक्टिव का पैसिव का इसका निर्धारण करता है आपकी वर्ब। अब एवरीडे से मालूम चला कि जो सेंटेंस है वो है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। इसके ऑप्शंस में जैसे मैंने लिखा ए में हैज बीन, बी में आर, सी में लिखा आर बीन, डी में लिखा वॉज। अब देखिए आप, एवरीडे से मतलब है कि प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का यदि है तो फिर क्या होगा, ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आर बीइंग इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन आर बीइंग जो है वो आर बीइंग एप्रिशिएटेड का होता जब यहां कोई कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कोई एडवर्बियल्स होता। अब ये भी वैसे हो गया, वॉज चूंकि पास्ट का है इंडेफिनेट का है तो वॉज अप्रिशिएटेड का होता जब यस्टरडे लास्ट ईयर होता, इसलिए अब हमारा राइट आंसर होगा क्या आएगा, आर अप्रिशिएटेड, सॉरी आर अप्रिशिएटेड नहीं होगा, यहां पर इज होना चाहिए एज। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या था प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही तो है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा इज, राइट आंसर क्या होगा इज। कभी कभी हम लोग टेंस के एडवर्बियल्स रट करके पढ़ करके समझते हैं कि हमें ग्रामर आ गई, हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ गया, हमें समझ में आ रहा है, समझ में आने से पेपर कैसे हल होगा ये समझा करो। इसलिए कभी कभी इट इज मोस्टली यूज्ड दैट द स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन ए पैसिव फॉर्म्स, पैसिव फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स को पूछा जाता है, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स इन आवर क्वेश्चंस, अगर हमें वो रूल वो स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद यदि रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे क्वेश्चंस के अंदर तो बेकार है पढ़ाई करना, इट्स यूजलेस। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन वो है जब भी ए नंबर ऑफ आएगा अ नंबर ऑफ तो उसके बाद नाम भी प्लूरल आता है और वर्ब भी क्या आता है प्लूरल, नाम भी प्लूरल आता है वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल, इसलिए अ नंबर ऑफ देखो स्ट्रक्चर देखिए A number, इसको अ बोलते हैं नंबर क्योंकि आर एंड में आता है किसी भी वर्ड के एंड में तो वो अ बोला जाता है, इट रिमेन साइलेंट, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड,
अ नंबर ऑफ, इसको अ बोलते हैं, ऑफ नहीं बोलते क्योंकि ऑफ तो इसको बोलते हैं डबल ऑफ वाले को, हम दोनों को एक ही बोलते हैं, वो तो हमें याद होता है कि जैसे पुट ऑफ बोला तो सोचते हैं डबल ऑफ आ रहा, स्विच ऑफ कर दो तो दिमाग होता है कि डबल ऑफ वाला आ रहा है, टेक ऑफ उड़ान भरना तो पता है डबल ऑफ वाला आता है, लेकिन किसी को यदि स्पेलिंग मालूम नहीं तो ये कैसे बता पड़ा कि हम ऑफ से बोल कौन सा रहे हैं, लेकिन चल रही है गाड़ी। देखिए अ नंबर आओ बोलते हैं इसको, आओ द नंबर ऑफ के बाद नाउन भी क्या आता है, प्लूरल आता है, नाउन क्या आता है प्लूरल, और वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है प्लूरल। अब देखिए फर्क इतना है कि ए आते ही आपका नाउन भी प्लूरल आता है, सब्जेक्ट प्लूरल आता है, वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब क्या आती है, क्योंकि देखो प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब शुरू में पी आ रहा है, उसमें सिंगुलर आता है एस आ रहा था तो एस आता है, प्लूरल जब भी आता है तो वर्ब में एस एस नहीं आता, जैसे आर आ गया, डू आ गया, हैव आ गया, वर आ गया, और फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होती है, क्रियाएं मूल रूप में क्या होती है प्लूरल होती है, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस एस का प्रयोग करता है, एस एस इज एडेड after the basic forms of the verb to make them singular, because verbs remain plural in their basic forms, we must understand it, we must remember it, we need to remember it, okay. So what I'm telling you is that after a number of, noun plural is used and verb is also used plural. What plural verbs are, those verbs which take, don't take s or es after them are called plural verbs, okay. So now I will make you learn so many sentences. I want to write so many sentences on the basis of this pattern so that you can learn it and you can apply these kind of sentences in your paper. Dekhiya, maine likha very first a number of beautiful flowers plucked. ये प्लक्ड है, आधा कैट है, प्लक्ड नहीं बोलते इसको, प्लक्ड प्लक्ड, हम लोग यदि प्लक्ड बोलेंगे तो आप लोग क्या सीखोगे भाई मेरे, इसलिए आपके अशुद्ध उच्चारण के लिए एक अध्यापक होने के नाते इट्स मैंडेटरी दैट यू मस्ट नो दोज थिंग्स। हम क्या करते हैं फ्रेनेटिक्स है या ट्रांसक्रिप्शन है, उसको जब तक हम पढ़ते हैं उस पढ़ के पेपर में सही करके बस भूल गए, नहीं, जब तक वो चीजें, जब तक वो एक्सेंट, वो प्रोनाउंसिएशन हमारे लैंग्वेज में परिलक्षित नहीं होंगे तब तक हम हजारों छात्रों को उस चीज को हम इम्पार्ट नहीं कर सकते, वी कांट इम्पार्ट दोज थिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पहले खुद को उस चीज का बार बार रियाज करना पड़ता है, तत्पश्चात और उसके बाद हम उन चीजों को छात्रों के समक्ष साझा करते हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इट्स प्लक्ड, ओके, सो अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर प्लक्ड फ्रॉम हियर या फ्रॉम दिस पार्क, फ्रॉम दिस पार्क, अब इट्स नॉट पार्क पार्क, अब देखिए दिस मंथ इट्स आर सेंटेंस, अब दिस मंथ हो गया, दिस मंथ से मालूम चल गया कि गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलो तो हैज अ प्लस मेथड विल बी यूज्ड, ओके, सो वेरी फर्स्ट आंसर इज हैव, बी हैड, सी हैव बीन and D were. So what will be our right answer? This month se malum chala ki malum chala bhai ki has a plus method aayega, parantu ye nahi bhulna chahiye ki kya plucked ka karya a number of beautiful flowers kar sakta hai, nahi kar sakta to it is object the pura phrase object hai, isliye what will be used here, yahan pe aayega plucked to hai hi, to present perfect ka passive kya hoga, क्या बनता है उसका हैज अ प्लस विदर प्लस बीन, सारे परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट जितने भी टेंसेस हैं उसमें थर्ड फॉर्म के पहले बीन लगता है यदि ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो, जो भी कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस है शुरू के अंदर ऑब्जेक्ट है या कोई फ्रेज है पूरा ऑब्जेक्ट है तो फिर वहां पे बीन लगेगा, तो फिर वहां पे क्या लगेगा बीन, जैसे इज अवर बीन प्लस विथर्ड वॉज और बीन प्लस विथर्ड हैज अ बीन प्लस विथर्ड हैड बीन प्लस विथर्ड हैड बीन प्लस विथर्ड, सो वी मस्ट learn all these things, it's really very important. So what will be our right answer, yahan pe hoga a number of beautiful flowers
आएगा have been plucked. Okay, so I'm sure that you are getting all these things. Really, यहाँ पे आपको थोड़ा सा focus करना पड़ रहा है क्योंकि इसको this month को रट के हम लोगों के दिमाग में आता है present perfect. यदि किसी को याद हो तो इसका मतलब क्या होगा, हैज़ प्लस वी थर्ड. लेकिन भाई साहब देख रहा है कि शुरुआत के अंदर क्या एक्शन का डूअर है कि नहीं, इस वर्ब से मालूम चलेगा कि ये क्या है, प्लग करने वाला है क्या ये. अरे भाई ये नंबर ऑफ ब्यूटीफुल ग्लास खुद ही तोड़ देंगे क्या, तो फिर तोड़ने वाले क्या तोड़ेंगे, ये है बात. इसलिए ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगा, बीन प्लक्ट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दीज क्वेश्चंस विल बी एस्ट. कैसे हमें यदि आता है तो चाहे हम एरर फॉर्मेशन में कर लें या ऑप्शन में सेंटेंस बना लें या इसके एरर फॉर्म में बना लें, कैसे बना लो, अगर हमें आता है ना सॉल्व करना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हर चीज ये की है, चाहे एसएससी की हो, बैंक की हो, कोई सा भी हो, फॉर्मेशन में होता है दो ही तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं. ओनली सेंटेंसेस आर आस्क्ड बाय टू वेज, बाय टू वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ चेयर्स, अ नंबर ऑफ कॉस्टली चेयर्स स्टॉलन from the market. It's market, it's not market. जो रीच बढ़ाने वाला मास्टर मार्केट बोलता है ना तो मरे आपके फ्रेनेटिक्स तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आप अध्यापक बन रहे हो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस तरह की चीजों को समझो, यूज them इन योर लैंग्वेज. ओके, मार्केट yesterday, it's not yesterday, पूरी ताकत जाऊंगा देते हैं yesterday, नहीं yesterday, right? So yesterday means the given sentence will be made in past indefinite, और past indefinite के अंदर हम क्या समझते हैं, या तो second form आती है या did not plus be one आता है, बस that's it. परंतु ये देखना चाहिए कि a number of costly chairs है, क्या वो stolen कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो ये जो पूरा फ्रेज है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है. क्या है, ऑब्जेक्ट. और अ नंबर ऑफ कॉस्टली चेयर्स कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का. अब मैं आपको देखो इसके ऑप्शंस बताता हूं, पहले में आएगा हैड बीन, बी में आया इज, सी में आया आर, और डी में आया वॉज वर. अब आपका आंसर क्या होगा, देखो यस्टरडे से मालूम चला कि गिवन सेंटेंस मस्ट बी मेड इन पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है, सेकंड फॉर्म में डिड नॉट प्लस बी वन आता है, लेकिन स्टॉलन करने वाला अ नंबर ऑफ कॉस्टली चेयर्स नहीं है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. तो फिर स्टॉलन के पहले क्या आएगा, वॉज, और में से क्या आएगा आपका, आएगा वर. क्या आएगा, वर, राइट. इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहां पर, डी. क्या होगा, डी. हम लोग What we do here, active से passive पढ़ के tense पढ़ने के बाद में हम लोग गलतियां करते हैं, we make mistakes. So being a teacher, we must know to make mistakes if we want to score the best marks in our exam. तो देखिए friends, इसके जो next rules और regulations है वो हम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा tough process में पढ़ेंगे, so that you can take the benefit of this topic in your REET exam. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो है उसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियोस का वो आपको तुरंत मिल सके और आप उसका बेनिफिट लें. ये फ्री है, एक मुहिम है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इंग्लिश की वास्तविकता से रूबरू हो और आपकी परीक्षा में ये चीजें आपके लिए बहुत आपकी मदद करें, सो दैट यू कैन गेट द डिजायरेबल रिजल्ट्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.